उस समय स्त्री के पुरुषों को भी पढ़ने का और अधिकार नहीं था। और सावित्री बाई फुले जब उनका विवाह हुआ महात्मा फुले से, तो उन्होंने महात्मा फुले क्योंकि उन्होंने सामाजिक बहुत सारी शोषण सहे थे, सामाजिक जो विरोधाभास था समाज में, कुरीतियाँ थी, उनसे लड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी जो है उन्हीं को शिक्षित करने का संकल्प लिया। और सावित्री बाई फुले ने भी उनका पूरा योगदान देते हुए अपनी शिक्षा को मैं आगे बढ़ी। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल की स्थापना की, जबकि 17 वर्ष की आयु जो है आज के समय में हम यदि देखें तो बच्चे जो है अपनी एक सोच भी डेवलप नहीं कर पाते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो 17 वर्ष की आयु में जब उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की पुणे में, और ऐसे समय में स्कूल की स्थापना करनी एक बहुत बड़ी बात होती है जो आज हम नहीं कर पा रहे पढ़ लिखने के बाद भी। तो अगर हम उस परिस्थिति में जाके देखें तो लगता है कि उनको कितने अपने आप को किस तरह से उन्होंने तैयार किया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनके जो 3 स्टूडेंट थी पहली, वो सब ब्राह्मण जाति से थी, मतलब उसमें पढ़ने के लिए भी वही बच्चे आए सबसे पहले, कि उन्होंने 3 ब्राह्मण जाति की जो लड़कियां थी उनको सबसे पहले शिक्षा दी। उसके बाद उनका आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बच्चे बढ़ते गए धीरे धीरे। उसके लिए संघर्ष तो उनका रहा ही, जैसा कि अब पिछले वक्ताओं से आपने सुना है। पर इतने पुराने समय में जो उनका योगदान था सामाजिक, शिक्षा के क्षेत्र में तो रहा ही योगदान, पर सामाजिक क्षेत्र में जो उनका योगदान था, उन्होंने बहुत कम वर्ष की आयु में सत्य शोधक समाज नाम की संस्था का स्थापना की। और उसके बाद समाज की कुरीतियों से लड़ते लड़ते अंत में जहाँ की वो थी वहाँ पर प्लेग बीमारी फैली, और जहाँ पर कोई भी प्राथमिक उपचार के लिए किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने स्वयं घर घर जा कर के लोगों की सेवा की। और उसी दौरान उनको भी प्लेग हो गया जिसके कारण उनका देहावसान हुआ। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि हमारे बार बार यदि उनका नमन किया जाए या बार बार उनके जीवन से प्रेरणा ली जाए, तो अगर हम आज के संदर्भ में उनको देखें तो हम अपने बहुत पीछे हैं हम उनसे, क्योंकि जो इतने समय पहले इतनी विकसित मानसिकता थी, हम मानसिकता तो हमारी बन गई वो, पर हम उस कारवें को आगे नहीं चला पाए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम आज उनको याद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से शिक्षा में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, पर जो सरकारी शिक्षा जो सुविधाएं हैं उससे केवल एक 10वीं पास मजदूरी बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है शिक्षा को लेकर के, वो इस तरह की पॉलिसी है कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो एक गैप है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, पर क्योंकि वहाँ से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों की अपनी समस्याएं हैं। जैसे मैं यहाँ लोकल इस बिंदापुर क्षेत्र में ही हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं जैसे जो बच्चों की स्टडी की जो हमने, तो यहाँ पर बच्चों की व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे माता पिता जो है सुबह जाते हैं अपने काम करने के लिए, उनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है। यहाँ पर मतलब आपको सुन के हैरानी होगी, इस क्षेत्र में ही जहाँ के हम पूरे देश की बात करते हैं, पर हमारे समाज में जब हम एक क्षेत्र को ज़्यादा अगर विकसित करें तो धीरे धीरे वो दायरा बढ़ता जाएगा हमारा,
कि यहाँ छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे नशा करते हैं इस एरिया में ख़ास तौर से। और नशा भी क्या है, आयोडेक्स खाना और जो वाइट फ्लूड उसको पीना बच्चे ये काम, क्योंकि वो उपलब्धि उसके आराम से हो जाती है। तो छोटे छोटे इस तरह का नशा करते हैं बच्चे जो आसानी से मिल जाता है। पेन किलर जितने हैं, अवॉइंटमेंट जो हैं उनको ब्रेड के ऊपर लगा करके उसका नशा करना। तो हम अपने अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है जहाँ पर हम हैं, हम उस एरिया के आसपास के बच्चों को उस या उनके माता पिता को उनकी काउंसलिंग करके, क्योंकि माता पिता की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की बजाय, क्योंकि माता पिता तो सुबह से निकल जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे पीछे। और ऐसे ही बच्चे जो हैं गुमराह होकर के बहुत सारे अपराध में शामिल हो जाते हैं। तो आपने कहीं न्यूज़ भी सुनी होगी, तो न्यूज़पेपर में हफ्ते में एक न्यूज़ बिंदापुर की ज़रूर आती है नेगेटिव न्यूज़ में। उसका कारण यही है कि सोशल एट्रोसिटीज़ इतनी हैं कि वो बच्चे अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम यदि विकास की बात करते हैं तो हम पहले अपने क्षेत्र से ही यदि शुरू करें तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो तभी हम सावित्रीबाई फुले की हम सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे उनको, कि जब हम अपने अपने क्षेत्र का विकास करें। और हम देश की तो तब बात करें जब हमारा समाज जो है ज़्यादा जागरूक और शिक्षित होगा। तो हमारा सबसे पहले जो है यही है कि हमारा, हम अपने विकास के साथ साथ उस लोकल एरिया के लिए हम ज़्यादा काम करें। धन्यवाद।